कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 150 इन्फेंट्री बटालियन टीए पंजाब की ओर से टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के तीसरे दिन अभी तक 3000 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया है। 17 से 24 अक्टूबर तक चलने वाली भर्ती रैली के तीसरे दिन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी तथा लाहौल स्पीति के युवकों ने भाग लिया है, जबकि रविवार 20 अक्टूबर को बाकी बचे जिला सोलन, सिरमौर, शिमला, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, किन्नौर के युवाओं को भर्ती मौका दिया जाएगा। शुक्रवार देर शाम से ही हरी वर्दी पहनने का जुनून रखने वाले युवाओं ने पालमपुर पहुंचना शुरू कर दिया था। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित की जा रही भर्ती रैली में अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने के लिए युवा सुबह सवेरे ही लाइन में लग गए थे। भर्ती रैली के लिए पहुंचे अधिकारी भी मान रहे हैं कि प्रदेश के युवाओं में सेना में जाने का जोश है और युवक काफी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। भर्ती रैली में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को ही अगले चरण के लिए चुना जा रहा है। हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के युवाओं के लिए प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के खेल मैदान में 150 इन्फेंट्री बटालियन पंजाब भर्ती प्रक्रिया चला रही है। सोल्जर जनरल ड्यूटी 132, क्लर्क स्टाफ ड्यूटी 4, हाउसकीपर 1, रसोईया 2, नाई 1 और दर्जी का 1 पद भरा जाएगा। मेजर दिनेश शर्मा ने बताया कि अभी तक 3000 से ज्यादा युवाओं ने दौड़ में भाग ले चुके हैं और 20 अक्टूबर को भी हिमाचल के बाकी बचे जिलों के युवाओं की भर्ती होगी। वहीं 21 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ व दिल्ली के युवाओं की सैनिक सामान्य ड्यूटी भर्ती होगी तथा 22 से 23 अक्टूबर 2019 को हरियाणा के युवाओं की सैनिक सामान्य ड्यूटी होगी। 24 अक्टूबर 2019 को पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ व दिल्ली, हरियाणा के युवाओं के लिए ट्रेड्समैन की भर्ती होगी। शिमला जिला के रामपुर में राष्ट्रवाद राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों व समाधान विषय को लेकर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रमुख मंदीरजीत सिंह बट्टा थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से 70 साल बाद धारा 370 की कैंसर रूपी बीमारी को खत्म किया गया, इससे देश में अमन व चैन आएगा। हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने ऐसा भारत बनाकर दे दिया जिसे सुनहरी पन्नों पर लिखा जाएगा। बिट्टा ने बताया कि करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर जो लोग राजनीति करना चाहते हैं या जो यात्रा शुरू हुई है ये अवश्य जारी रहेगी। खालिस्तान न बना था न ही बनेगा, ये आज का भारत है। हम गारंटी से कहते हैं कि पाकिस्तान जो मर्जी करे, जेएनके से धारा 370 हटा दी तब भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। अब पाकिस्तान की क्या हिम्मत, पाकिस्तान की तो खुद हालत ठीक नहीं है। आने वाले समय में पाकिस्तान के कई टुकड़े होने वाले हैं। शिमला जिला के रामपुर पीजी कॉलेज परिसर में अंतर महाविद्यालय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता विधिवत रूप से संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 17 टीमों के 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों व अंतर्राष्ट्रीय कोच भी शामिल हुए। 4 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अंतिम दिन राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के छात्राओं ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पीजी सेंटर की टीम को पछाड़कर ट्रॉफी पर कब्जा किया, जबकि तीसरे स्थान के लिए मुकाबला आरकेएमबी शिमला और राजकीय महाविद्यालय सीमा के मध्य रहा और बाजी आरकेएमबी ने मारी। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान ने छात्राओं को खेलों में इस तरह आगे बढ़ते हुए हुनर दिखाने के लिए बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय कोच एवं भारतीय 23 ईयर वर्ग के चीफ कोच प्रीतम सिंह ने बताया कि पहली बार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल लाए हैं। उन्होंने बताया वर्तमान में जिस तरह से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसमें कमी लाने के लिए खेले जरूरी हैं। आयुषी ने बताया कि उन्होंने 23 वर्ष की आयु वर्ग में एशियन गेम्स में हिस्सा लिया, यहाँ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि युवा नशे की ओर न जाकर खेलों को बढ़ावा दें। विक्रिस गेम चैंपियनशिप में भाग ले चुकी मनीषा ने बताया कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए खेले बेहतर विकल्प हैं, इससे युवाओं का
ध्यान नशे की ओर न जाकर खेलों की ओर बढ़ेगा।